हेलो फ्रेंड्स आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है देखिए फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए इन तीन कलरों के बहुत ही सुंदर एक नीटिंग डिजाइन बनाना सिखाऊंगी तो इस डिजाइन को आप बच्चों की किसी भी प्रोजेक्ट में डालिए जैसे स्वेटर जैकेट कार्डिगन कैप सोक्स ग्रल्स टॉप तो चलिए सीख लेते हैं कि इस डिजाइन को हमने किस तरह से बनाया देखिए इस डिजाइन को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर फाइव के मल्टीपल में फंदे लेके तीन फंदे मैंने एक्स्ट्रा लिए हैं। तो यहाँ पर आप कोई भी बॉर्डर नीचे बना लीजिए आपको जो बॉर्डर पसंद है वो बॉर्डर बनाइए बॉर्डर बनाने के बाद यहां से आप डिजाइन की पहली सिलाई मानिए और सीधी सिलाई ये मैंने बॉर्डर के तौर पे चार सिलाईया सीधी तरफ से भी उल्टी और उल्टी तरफ से भी उल्टी उल्टी चार सिलाई कम्पलीट की है तो यहां से मानिए डिजाइन की बॉर्डर बनाने के बाद पहली सिलाई सीधी सिलाई तो इस सिलाई को हमने पूरी सिलाई को ही सीधा सीधा बनाते हुए यहाँ पर कंप्लीट करना है तो ये पहली सिलाई में सीधी सीधी बनाते हुए कंप्लीट कर लेती हूं फिर देखते हैं आगे दूसरी सिलाई उल्टी साइड से कैसे बनाएंगे तो ये देखिए यहां पर मैंने पहली सिलाई को सीधी साइड से बनाते हुए सीधा सीधा इसको कंप्लीट किया डिजाइन की दूसरी सिलाई और यहां पर उल्टी सिलाई उल्टी साइड से हम पूरी सिलाई को ऐसे उल्टी उल्टी बनाएंगे तो मैं ये इस सिलाई को भी दूसरी को उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट कर लेती हूं डिजाइन की दूसरी सिलाई बन के उल्टी उल्टी कंप्लीट है डिजाइन की तीसरी सिलाई सीधी सिलाई सीधी सिलाई को तीसरी सिलाई में हमने पूरी सिलाई को यहाँ पर सीधा सीधा ही बनाना है सीधी साइड है तीसरी सिलाई है यहाँ पर पूरी सिलाई को हम सीधा सीधा बना के कंप्लीट कर लेते हैं पूरी तीसरी सिलाई को हमने सीधी साइड से सीधा सीधा ये यहाँ पर बनाते हुए कंप्लीट कर लिया डिजाइन की चौथी सिलाई चौथी सिलाई को हमने पूरी सिलाई को सेम दूसरी सिलाई की तरह ही ऐसे उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट करना तो मैं चौथी सिलाई को भी सेम दूसरी सिलाई की तरह उल्टा उल्टा बना के कम्प्लीट कर लेती हूँ ये देखिए हमने चौथी सिलाई को भी उल्टी साइड से उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट किया अब आ गए हैं डिजाइन की पांचवी सिलाई और सीधी सिलाई की तरफ पांचवी और छठी सिलाई में हमारा डिजाइन डलेगा तो ये यहाँ पर मैंने सेकंड कलर का धागा अटैच कर लिया है पिंक कलर तो यहां पर देखिए पांचवी सिलाई में किस तरह से बनाएंगे दो फंदे ऐसे स्किप करके और ये जो पिंक कलर मैंने यानी कि सेकंड कलर जो अटैच किया है इस धागे को हम आगे लेके आएंगे इस तरह से अब इस फंदे को और ऐसे स्किप कर लेंगे तीन फंदे हमने स्किप कर लिए हैं दो फंदे हम उल्टे बनाएंगे एक और दो दो उल्टे बनाए अब आगे क्या करना है इस फंदे को फिर से स्किप करेंगे फिर धागा पीछे करेंगे फिर एक फंदा स्किप करेंगे धागा अपनी ओर लेंगे फिर एक फंदा स्किप करेंगे आगे के दो फंदे फिर से उल्टे बनाएंगे फिर से एक फंदा स्किप करेंगे धागा पीछे करेंगे फिर से एक फंदा स्किप करेंगे फिर से धागा अपनी ओर फिर से एक फंदा स्किप, यानी कि हमने बीच में तीन फंदों को स्किप करना है इस तरह से फिर से आगे दो फंदे उल्टे एक और दो फिर से एक फंदा स्किप धागा पीछे फिर से एक फंदा धागा अपनी और फिर से एक फंदा स्किप फिर से दो फंदे उल्टे एक दो फिर से एक फंदा स्किप धागा पीछे फिर से दोनों फंदे स्कीप जैसे हमने शुरू में दो फंदे स्कीप किए थे लास्ट में भी दो फंदे स्कीप किए तो ये हमने अपनी पांचवी सिलाई को यहाँ पर सीधी साइड से बना के कंप्लीट किया डिजाइन की छठी सिलाई लास्ट सिलाई इसमें हमने ये तीनों फंदे ही स्किप करने हैं। अब हमने ये धागा पीछे करके दो फंदे ये सेकंड कलर से थे तो इनको सीधा बनाना है इस फंदे को स्किप करेंगे धागा अपनी और फिर इस फंदे को स्किप करेंगे धागा पीछे फिर इस फंदे को स्किप करके अब दो फंदे ये सेकंड कलर वाले इनको उल्टी साइड से सीधा बनाना फिर इस फंदे को स्किप करेंगे धागा अपनी ओर फिर इस फंदे को ऐसे ही स्किप करेंगे फिर धागा पीछे करेंगे फिर इस फंदे को स्किप अब ये दो फंदे आ गए हैं तो इनको सीधा ही बनाना लास्ट सिलाई है और छठी सिलाई इस फंदे को स्किप करेंगे धागा अपनी ओर इस फंदे को भी स्कीप धागा पीछे इस फंदे को स्किप, दो फंदे फिर से आए हैं सेकंड कलर से इनको सीधा बनाएंगे फिर से इस फंदे को स्किप धागा अपनी ओर अब ये दोनों ही फंदे स्किप करेंगे तो ये छठी सिलाई को मैंने उल्टी साइड से बना के कंप्लीट कर लिया डिजाइन की सातवीं सिलाई तो सातवीं सिलाई फिर से हम आगे चार सिलाइयां सीधे उल्टे की बनाएंगे जैसे यहां पर बनाई थी इसी तरह से तो मैं ये दो सिलाई और बना के दिखा देती हूँ ताकि डिजाइन आपको क्लियर दिखाई दे सातवीं सिलाई को अब हम व्हाइट कलर के धागे से पूरी सिलाई को फिर से सीधा सीधा पहली सिलाई की तरह ही बनाएंगे तो सातवीं सिलाई को मैंने पहली सिलाई की तरह ही व्हाइट कलर के धागे से बेस वाले कलर से सीधा सीधा बनाते हुए कंप्लीट किया तो ये डिजाइन देखिए कुछ इस तरह से स्माइली डिजाइन दिखाई देने लगा उल्टी सिलाई आठवीं सिलाई आठवीं सिलाई को सेम दूसरी सिलाई की तरह ही उल्टा उल्टा हम बनाएंगे तो बहुत ही सुंदर डिजाइन बन के आएगा रेडीमेड जैसा डिजाइन बनेगा जितना डिजाइन देखने में सुंदर लगेगा उतना ही बनाने में बिल्कुल ही आसान डिजाइन है उल्टे और सीधे का डिजाइन है और जो बिगनर्स लेवल की महिलाएं हैं जिसे उल्टा सीधा बनाना आता है वो इस डिजाइन को आसानी से बना सकती हैं इस डिजाइन को आप बच्चों के स्वेटर जैकेट कार्डियन कैप सॉक्स किसी में डालिए सभी मिडल के रेडीमेड जैसा डिजाइन बन के आएगा तो आठवीं सिलाई को सेम दूसरी सिलाई की तरह ही बना लिया है ये दो सिलाइया मैंने इसलिए बनाई है ताकि आपको कंफ्यूजन न हो तो ये देखिए डिजाइन हमारा इस तरह से दिखाई देने लग गया है इस तरह से समाइली वाला डिजाइन बनता हुआ आया तो इन्हीं छह सिलाइयों को अगर हम बार बार रिपीट करेंगे तो सेम डिजाइन इसी तरह से बन के आएगा तो थोड़ा सा बड़े में ये देखिए डिजाइन का फाइनल लुक कुछ इस तरह से बनता हुआ आएगा तो फ्रेंड्स इस डिजाइन को आप बच्चों के स्वेटर में जैकेट में कार्डिगन में कैप सोप स्टोप, किसी में भी डालिए सभी में डाल रेडीमेड जैसा डिजाइन बनता हुआ आएगा तो फ्रेंड्स जितना डिजाइन देखने में सुंदर है उतना ही बनाने में आसान है सिर्फ छह सिलाई का डिजाइन है इन्हीं छह छह सिलाइयों को आप बार बार रिपीट कीजिए और अपना रेडीमेड लुक में ये डिजाइन बना लीजिए तो उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए मिलती हूँ फ्रेंड्स अगली नई अच्छी सी वीडियो के साथ तो बने रहिए इसी तरह हमारे चैनल के साथ